अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है पोला पाट ब्रेड। इसको आप हनी कॉम ब्रेड भी कह सकते हैं। इंतहाई सिंपल रेसिपी है, चाय के साथ नाश्ते में किसी भी टाइम आप खा सकते हैं। और चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पोला पाट ब्रेड बनाने के लिए हम लोग पहले सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, उसको अच्छी तरह से छान लेंगे और फिर इसकी डो बनाएंगे। तो ये मैंने मैदा लिया है, इसके अंदर ये ड्राई मिल्क पाउडर पहले ऐड करूँगी, फिर चीनी जाएगी, ईस्ट जाएगा। इसको हम अच्छी तरह इनको मिक्स करके और इसको हम स्टेन कर लेंगे अच्छी तरह से। और साथ ही इसके अंदर मैं थोड़ा सा अ पिंच ऑफ सॉल्ट डालूँगी। ये अब हम इसको इसके अंदर सारा स्टेन कर लेते हैं, छान लेंगे अच्छी तरह से ताकि ये मिक्स हो जाए। अब मैं सारी चीज़ें इसके अंदर डालूंगी, मैं हाथ से नहीं इसको नीट करूंगी। और इसके अंदर अब ऑयल डालेंगे, इसके अंदर बटर जाएगा, चीनी जाए ओ सॉरी अंडा जाएगा और दूध जाएगा। देखें डो हमारी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की सॉफ्ट डो इसकी रेडी हुई है। अब इसको थोड़ा सा मैं नीट करूँगी। चॉपर में मैंने इसलिए सिर्फ बताया कि कुछ लोग जैसे नहीं गूंद सकते हैं या नहीं गूंदना चाहते हैं तो इस फूड प्रोसेसर में भी बहुत अच्छी डो बनती है। अब इसको बस 2-3 मिनट करके मैं रख दूँगी। हमने पानी यूज़ नहीं किया, दूध इनफ था, बल्कि उसमें से थोड़ा सा दूध 1-2 चम्मच बच भी गया है। बस अब इसको हम 40 मिनट के लिए रखेंगे और उससे ये कि ये डो डबल हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आपको स्टेप बताएंगे क्या करना है। ये देखिए, ये मैं इसको हल्का सा ग्रीस कर दूंगी और बस ये देखिए अब क्लिंग लगा के तो इसको इतनी देर 40 मिनट ऑलमोस्ट लग जाते हैं रखेंगे जिससे ये डबल हो जाएगी डो। मिनट के बाद फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें जी डो हमारी जो है वो काफी राइज्ड हो गई हुई है। अब हम इसके छोटे छोटे इक्वल बॉल्स बनाएंगे, 20 से 25 बॉल बनेंगे। पैन को मैंने ग्रीस कर लिया है, इसके अंदर हम सारे बॉल्स रखेंगे और फिर इसको 30 मिनट के लिए फिर छोड़ देंगे और फिर आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि इसके ऊपर क्या करना है आपने। बॉल्स बन गए हैं, अब इसको 30 मिनट के लिए फिर छोड़ देते हैं और फिर इसको हम बेक करेंगे। सने जी ये अब हमने 30 मिनट के बाद ये थोड़े से और देखें राइज हो गए हैं। अब एग वॉश लगा रही हूँ इसके ऊपर और इसको हम 20 मिनट बेक करेंगे 180 पे। ये अच्छी तरह इसके ऊपर लगा देते हैं और सबसे लास्ट में इसके ऊपर ग्लेज जाएगा। अभी मैं इसको जब जैसे ही बेक करने के लिए रखूंगी तो इसका ग्लेज भी आपको दिखाते हैं, रेडी कर लेंगे।
ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये लीजिए, ये हो गया। और अब इसके ऊपर थोड़े से सेसमी सीड्स डालेंगे, अगर आपको नहीं अच्छे लगते तो आप ना डालें, इट्स अप टू यू। चलिए जी, अब इसको बेक करने के लिए, इसकी जो ग्लेज बनाने के लिए दो की ब्रेड की, उसके लिए मैंने 1/4 कप पानी लिया है। इसके अंदर 1/2 कप शुगर डाली है, इसको मेल्ट करेंगे और साथ ही इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून हनी डालेंगे। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस जैसे ही शुगर मेल्ट होगी ये नहीं 2 टेबलस्पून बस इसको हम कुक करते हैं। ग्लेज डालते हुए ये ख्याल रखना है कि आपका ये भी गर्म होना चाहिए, वार्म, और आपकी ब्रेड भी वार्म होनी चाहिए। बस अब हम इसके ऊपर डालते हैं ग्लेज और फिर इसको बस 10-15 मिनट रखेंगे और फिर इसको हम निकाल लेंगे। चलें जी, अब हम इसके ऊपर ग्लेज जो बनाया है उसको पोर करने लगी हूँ मैं। ये देखें, थोड़ी देर में 10-15 मिनट में इसको हम प्लेटर में निकालते हैं। ब्रेड हमारी रेडी है, ठंडी हो गई है। देखें, मैंने प्लेटर में निकाल ली है ब्रेड, बहुत ही मज़े की, बहुत सॉफ्ट बनी है, ज़रूर ट्राई करें। ये देखें, बहुत ही अच्छी, बड़ी सॉफ्ट, इसको आप बटर ब्रेड हर चीज़ के साथ लगा के खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। और अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नई रेसिपी में, नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।